नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अब मुंबई में शक्ति परीक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि उद्धव ठाकरे आज रात ही सीएम हाउस छोड़कर मातोश्री शिफ्ट हो सकते हैं। शिव सैनिकों को मातोश्री के बाहर जमा होने के लिए कहा गया है। शिवसेना टूटने से पहले अपनी ताकत वो मुंबई में दिखाना चाहती है। आधे घंटा पहले शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। सरकार बचाने का एक ही रास्ता बचा है, एकनाथ शिंदे को किसी तरह समझाना। लेकिन खबर यह है कि गुवाहाटी के होटल में बैठे शिंदे मानने वाले नहीं हैं। उनके पास अब भी इस वक्त भी 38 विधायक बैठे हुए हैं और उद्धव के विधायक 55 से घटकर 17 पर आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने आज अंतिम दांव चला। शिव सैनिकों से बड़े इमोशनल अंदाज में कहा कि मुझे कुर्सी का लोभ नहीं है, एक शिवसैनिक कह दे तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि एक नहीं 34 शिवसेना विधायकों ने कह दिया है कि उद्धव ठाकरे को कुर्सी छोड़नी चाहिए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए। अगले 48 घंटों में तीन बड़ी खबरें आने वाली हैं। शिवसेना 17 से घटकर और नीचे जा सकती है, फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की संभावना और प्रबल हो सकती है, और एक नई सरकार में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बाकी बातें इस रिपोर्ट में है। उद्धव का त्याग पत्र, देवेंद्र की शपथ, अब बाकी कितना वक्त। महाराष्ट्र के सियासी भूकंप के एपिसेंटर मुंबई, सूरत, गुवाहाटी में गजब का पॉलिटिकल थ्रिलर। उद्धव ठाकरे की सरकार गिर रही है, एकनाथ शिंदे के साथ कम से कम 37, ज्यादा से ज्यादा 46 विधायक हैं, नंबर्स बढ़ भी सकते हैं। फडणवीस के सीएम बनने का 99% चांस है। शिंदे के पास डिप्टी सीएम बनने का मौका है। मौके पर चौका जल्द लगेगा या अभी महाराष्ट्र का सियासी सर्कस खत्म होने में टाइम लगेगा। महागाड़ी सरकार को पछाड़ने वाली स्क्रिप्ट 24 घंटों में रेडी नहीं हुई। मुंबई, मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी वाला प्लान आज या कल में नहीं बना। लंबी तैयारी थी, सॉलिड प्लानिंग थी, सटीक एग्जीक्यूशन था। इस सियासी थ्रिलर को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे के कंधों पर ही थी। एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद तमाम विधायक सूरत एयरपोर्ट पहुंचे हैं। आप देखिए, एक एक करके तमाम विधायक जो हैं वो बस से निकल रहे। एकनाथ शिंदे, ये पहली बार तस्वीरें आई हैं एकनाथ शिंदे की, यहाँ पर देखिए बस से उतरते हुए। यहाँ पर देखिए एक और विधायक आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए कोई भी विधायक बात करने को तैयार नहीं है। होटल में कितने लोग थे? 35 है और ज्यादा है। 37 लोगों का लेटर साइन हुआ है। हो गया। पूरा ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट किया गया, कहां कहां क्या क्या प्लान किया गया, मुंबई से शिवसेना का कौन सा विधायक किन किन रास्तों से निकला, कैसे सूरत पहुंचा, इतनी सीक्रेसी कैसे मेंटेन हुई, उद्धव के कानो कान पता तक नहीं चला। महागाड़ी सरकार में उद्धव के पार्टनर्स भी देखते रह गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा झटका लगा तो कैसे लगा। बीजेपी ने बड़े अच्छी तरीके से ये प्लान किया हुआ है और बीजेपी के प्लान में ये जो ML है वो फंस गए। ये लगता है कि वो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ इतने सारे लोगों ने एक साथ बाहर निकलना और होम डिपार्टमेंट या बाकी इससे कोई उनके तक मालूमात ना पहुंचना चाहिए या उन्हीं को आखिरी तक पता ही नहीं है, ये भी बात भी हो सकती है। एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के विधायकों को मुंबई और महाराष्ट्र के बॉर्डर से बाहर निकालने की जो योजना बनाई वो इतनी गुप्त थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। ये प्लान कितना सीक्रेट था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सूरत जाते समय शिंदे अपने साथ सिक्योरिटी भी नहीं ले गए। शिंदे के साथ रातों रात मुंबई छोड़ने वाले शिवसेना के विधायक जब सूरत पहुंच गए तब जाकर लोगों को खबर लगी कि इतनी बड़ी हलचल हुई है। पहले ये समझिए कि इस सियासी प्लानिंग को कामयाब बनाने के लिए ठाकरे सरकार का ध्यान कैसे भटकाया गया। तैयारी तो MLC चुनाव से 2 दिन पहले ही कर ली गई थी। सूरत की स्क्रिप्ट एडवांस में रेडी थी। प्लान का एग्जीक्यूशन सोमवार को हुए विधान परिषद चुनाव वाले दिन किया गया।
सूरत जाने की पूरी स्क्रिप्ट इसी दिन लिखी गई। चुनाव के दौरान बीजेपी के हंगामे के बाद इसे अमली जामा पहनाया गया। काउंटिंग के दौरान बीजेपी की ओर से क्रॉस वोटिंग का शक जताते हुए कुछ देर के लिए हंगामा भी किया गया। यह वही समय था जब महाविकास आघाड़ी के नेताओं का ध्यान हंगामे की ओर चला गया और शिंदे और उनके समर्थक विधायक इसी का फायदा उठाते हुए धीरे से सूरत के लिए निकल लिए। राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव में वोटिंग से बीजेपी को फायदा मिला। अगर फडणवीस राज्यसभा और एमएलसी चुनाव निर्विरोध कराने पर सहमत हो जाते तो विधायकों को किसी एक होटल में नहीं ठहराया जाता और वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना विधायकों से मिलते तो इस पर लोग चौकन्ने हो सकते थे, लेकिन होटल में उनके मेल मिलाप पर किसी को शक ही नहीं हुआ और अंदर खाने सियासी खिचड़ी पक गई। एमएलसी चुनाव खत्म होने के बाद रात में जब शिंदे और अन्य शिवसेना विधायक एक साथ निकले तब भी किसी को उनके इरादे की भनक नहीं लगी कि अगले कुछ घंटों में कौन सा सियासी पासा पलटने वाला है। ये प्लानिंग भी अचूक थी। जैसे ही विधान परिषद चुनाव के नतीजे सामने आए शिंदे पहले ही रेडी थे, वो थाने पहुंच गए। किसी को पता नहीं था, सबके फोन स्विच ऑफ होने शुरू हो गए। थाने शिंदे का गढ़ है, वहां सारे बागी विधायकों को ब्रीफिंग दी गई, आगे का प्लान बताया गया। शिंदे समर्थित कई सारे विधायक ऐसे थे जिन्होंने सूरत निकलने से पहले अपने सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया। सबको 2 से 3 घंटे का ट्रेवल करके गुजरात के बॉर्डर पर आना था, बाय रोड आना था। कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, एक एक चीज सबको गाइड कर दी गई। एक साथ नहीं जाना है, ये भी प्लान में शामिल था। मुंबई में सबको लगा कि सारे विधायक घूमने जा रहे हैं, मगर डेस्टिनेशन सूरत ऑन ट्रैक था। सूरत के 5-स्टार होटल में सारे इंतजाम पहले से थे, फिर आगे का प्लान एक्टिव हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र से 6 चार्टर्ड प्लेन सूरत पहुंचे थे। विमान से सुबह ही इन सारे विधायकों को महाराष्ट्र ले जाना था, लेकिन शिंदे समेत सभी बागी विधायक गुवाहाटी निकल गए। सूरत से गुवाहाटी ले जाना भी उसी प्लान का हिस्सा था। जानते हैं कि क्यों महाराष्ट्र के विधायक पहुंचे असम? जवाब सुनिए। असम में सरकार भाजपा की है, गुवाहाटी का एयरपोर्ट बहुत छोटा है, किसी भी तरह की हलचल का फौरन पता लग जाएगा। शिवसेना की मौजूदगी बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस इतनी ताकतवर नहीं है कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर सके। एकनाथ शिंदे लगातार बैठकें कर रहे हैं, जो इनके साथ विधायक यहां पर गुवाहाटी मौजूद है और लगातार एकनाथ शिंदे की उनके साथ बातचीत चल रही है और आगे की जो रणनीति क्या होती है, सभी जो विकल्प हैं और क्या क्या हो सकता है शाम की बैठक में मुंबई में, उन तमाम विकल्पों पर एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों की क्या रणनीति होगी, उन सब पे उनका मंथन चल रहा है। और साथ ही साथ मुंबई में जो एकनाथ शिंदे के जो जानकार हैं, जो करीबी हैं, उनसे भी वो राय ले रहे हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जो कानून के जानकार हैं उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है। और आपको हम बाहर की बात बताएं तो यहाँ पर होटल के बाहर आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी यहाँ पर लगातार बढ़ाई जा रही है। आसाम पुलिस तो है ही, यहाँ पर इसके अलावा रिजर्व बटालियन भी यहाँ पर बुला ली गई है और कोई भी गाड़ी यहाँ पर बिना पूछताछ के अगर अंदर से परमिशन है तो ही गाड़ी जा रही है, या फिर अगर उस शख्स की अंदर बुकिंग है होटल से कन्फर्म किया जा रहा है रिसेप्शन से, तो अभी उसके बाद ही उन गाड़ियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। यानी कि ये पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ जो विधायक हैं उनके पास कोई बाहरी व्यक्ति ना पहुंच पाए, कोई शिवसेना का संदेशवाहक ना पहुंच पाए। इतना सब कुछ हो गया मगर उद्धव ठाकरे को कानों कान खबर तक नहीं लगी। हाँ, देर शाम कैमरे पर आकर उन्होंने इस बगावत की एक दिलचस्प थ्योरी जरूर दी। आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की शिवसेनेचे काही आमदार गायब, अमुक गायब, तमुक गायब, गेले कुठे? पहिले सूरतला गेले, त्याच्यानंतर आता म्हणतात गुवाहाटीला गेले, आता त्यातल्या काही आमदारांचे आपल्याला फोन येत आहेत, आम्हाला इकडे आणलं गेले, आम्हाला परत यायचंय, आपल्यामध्ये इथे असलेल्या आमदारांना काही फोन येत आहेत, मला त्याच्यामध्ये जायचंच नाहीये। हे जे माझं मनोगत आहे ती मी अवघ्या 5 मिनिटात संपवणार आहे, आणि ते एवढ्यासाठी की काल परवा जी आपली एक निवडणूक झाली विधान परिषदेची, त्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी हॉटेलमध्ये सगळे आपले आमदार होते, मी तिकडे गेलो आणि म्हटलं ही काय परिस्थिती, ही कोणती लोकशाही ज्यांना आपण आपलं मानतो, शिवसैनिक मरवर मारतात, राबतात, निवडून देतात, जनतासुद्धा शिवसेनेच्या विचारावरती विश्वास ठेवून त्यांना निवडून देते, आणि आपली माणसं ह्यांनासुद्धा आपल्याला एकत्र ठेवावं लागतात का? अरे हा कुठे गेला बघा, तो कुठे गेला बघा,
मग मध्येच कोणतरी गायब होतो, कुठे गेला होता? नाही मी जरा बाथरूमला गेलो होतो. म्हणजे बाथरूमला गेला तरी संशय, म्हणजे बाथरूमला म्हणजे असं म्हणतात की शंका ठीक आहे पण लघु शंकेला गेला तरी शंका, ही कुठली लोकशाही? ही अशी लोकशाही काय मला आवडणारी आणि पटणार नाही. आणि मला वाटतं बाळासाहेबांनाही पटत नव्हतं आणि आपल्यालाही पटणार नाहीये. उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया, ये उन्हें समझ में नहीं आया. सच तो ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने प्लान ही इतना जबरदस्त बनाया कि महाअघाड़ी सरकार को संभलने का मौका तक नहीं दिया. इसके पीछे भी एक कहानी है. शिंदे की बगावत एक दिन का नतीजा नहीं है, ये उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार की जा रही अवहेलना और अनदेखी का आफ्टर इफेक्ट है. एकनाथ शिंदे को ठाकरे परिवार के बाद सबसे ताकतवर शिव सैनिक माना जाता है, मगर शिवसेना में ताकतवर होने के बावजूद उनके साथ खिलवाड़ होता रहा. शिंदे के साथ होटल में रुके विधायक महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से आते हैं. वो ऐसे इलाकों से आते हैं जहां शिवसेना के नाम का उनको कोई फायदा नहीं होता है. वो अपने दम पर किसी भी पार्टी में रहने के दौरान चुनाव जीत सकते हैं. शिंदे गुट के नेताओं का मानना है कि शिवसेना अब सीएम उद्धव ठाकरे, मुंबई संजय राउत और आदित्य ठाकरे तक सिमट कर रह गई है. उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेताओं से ज्यादा तरजीह एनसीपी के मंत्रियों और विधायकों को देते हैं और नाराजगी की ये एक बहुत बड़ी वजह है. और बागी विधायकों के तेवर देखने के बाद उद्धव ने जो रिएक्शन दिया है उससे पूरी पिक्चर क्लियर है. सर की उद्धव जी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्री पदी नको. ठीक आहे चला मी उठतो. आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे. आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरनं मातोश्रीला हलवत आहे. मला कोणताही मोह नाही, मी ओढून ताणून खुर्चीला चिकटून बसणारा नाही. मी शिवसेना प्रमुखांचा पुत्र आहे, कोणताही मोह मला खेचू शकत नाही, अडवू शकत नाही, थांबवू शकत नाही. पण हे माझ्या समोर येऊन बोला. उगाच काहीतरी शिवसेनेशी आम्ही गद्दारी करणार नाही, पण ही शिवसेना आहे आमची शिवसेना, कशाला तुम्ही हे करताय? ह्या सगळ्या करण्यावरनं नुकसान कोणाचं होतं आहे? एक जी गोष्ट आपण लहानपणापासून ऐकत आलेलो आहोत, कुऱ्हाडीचा दांडा गोताच टाळ. या समोर बसा, मी देतो राजीनामा. चला मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे. जे आमदार गायब आहेत किंवा त्यांना गायब करून गायब केलेलं आहे त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं. मी का नाही जात? देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के भीतर चल रहे घमासान को भांप चुके थे. फडणवीस को पता है कि शिंदे शिवसेना के लिए धन से लेकर बल तक सब कुछ साधते हैं. पार्टी के कई विधायक शिंदे के प्रति भरोसा जताते रहे हैं. माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में जीत को फडणवीस ने शिवसेना में दरार चौड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया और यहीं पर खेला हो गया. फडणवीस से शिंदे की दोस्ती भी उद्धव ठाकरे को खटकती थी. इसके अलावा शिवसेना का हिंदुत्व के मुद्दे से दूर होते जाना भी शिंदे को खटक रहा था. 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं. मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA है आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाए. शिवसेना से बगावत के बाद एकनाथ शिंदे का खुलकर कहना कि वो बाला साहेब के सच्चे शिव सैनिक हैं, बाला साहेब ने जो हिंदुत्व सिखाया वो उसी पर चल रहे हैं, ये सुनकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरह बैकफुट पर है. शिव सैनिक दो फ्रैक्शन में बढ़ चुके हैं. उद्धव का फ्रैक्शन फिलहाल कमजोर दिख रहा है, शिंदे के पास ही अपर हैंड है. इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संजय राउत पिछले कुछ घंटों में बैक टू बैक 3 बार कैमरे पर आए. संजय राउत अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं, मगर उनका चेहरा देखकर और उनकी बातें सुनकर कोई भी समझ सकता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी महाअघाड़ी खेमे में ही है. नर्वसनेस साफ दिख रही है. जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति की, विधानसभा भंग की जाती है.
महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है, आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी। लेकिन शिंदे साहब ने कुछ देर पहले हमसे बात करते हुए साफ कहा कि उनको किसी भी तरह से किडनैप नहीं किया गया, जबकि किडनैप अगर किया होता तो उनके दो लोग उन्हें नागपुर एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आए। ठीक है, बात ऐसी है कि मेरी भी सुबह एकनाथ जी से बात हो गई है, बार बार होती है, लेकिन जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान मैं आपके सामने लाया हूँ। और ऐसे बहुत से MLA वहाँ हो सकते हैं, और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो MLA गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं, खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल हो। अब तक शिवसैनिकों का गुस्सा फूट नहीं पड़ा है। उद्धव जी ने और पार्टी के सभी नेताओं ने जो संदेश दिया है कि संयम रखिए, लोग वापस आ जाएंगे। संजय राउत जानते हैं कि आगे की राह आसान नहीं है, इसलिए ट्विटर पर लिखते हैं विल स्ट्रगल। शिवसेना को पता है कि तीर कमान से बाहर निकल चुका है, इसलिए विधानसभा भंग करने का आइडिया कॉइन किया जा रहा है। मगर इन ट्वीट्स के बाद, कैमरे पर आने के बाद, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद, बागी विधायकों को धमकाने वाला प्रोग्राम भी अभी से एक्टिव हो गया है। शिवसेना ने व्हिप जारी करके बुधवार शाम विधायकों की बैठक बुला ली। बैठक में नहीं आने वालों को क्लियर वार्निंग दी गई। चिट्ठी के आखिरी पैरा में लिखा, अगर आप इस बैठक में नहीं आते हैं तो ये माना जाएगा कि आप पार्टी तोड़ना चाहते हैं। ये चिट्ठी व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट की गई, सारी डिटेल दी गई। जवाब में 34 बागी शिवसेना विधायकों के समर्थन वाली एकनाथ शिंदे की चिट्ठी भी महाराष्ट्र के कोने कोने में घूमने लगी। यानी दो दिन से सरकार बचा रहे उद्धव अब अपनी पार्टी बचाने की जुगत में है, जबकि शिंदे ने सरकार नहीं सीधे पार्टी पर कब्जे की घोषणा कर दी है। हे जसं मी मुख्यमंत्री पदासाठी बोलतोय तसंच मी आज माझ्या शिवसैनिकांना सुद्धा आवाहन करतोय, कारण का तरी शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही असं काही जे आरोप करतायत त्याला सुद्धा माझ्याकडे उत्तर आहे। माझ्याकडे उत्तर आहे, ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, चला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे। मी शिवसेना पक्षप्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे, पण हे सांगणारा विरोधक नाही, कोणी पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल मला आनंदाने मान्य आहे, आनंदाने मान्य आहे, पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे। उद्धव की पार्टी की लाइन है चुनाव की तरफ जाओ, जबकि फडणवीस की लाइन है महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाओ, और इसी के लिए पूरी मिनट टू मिनट प्लानिंग की गई। ये प्लान इतना सटीक था कि दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त रहे शरद पवार तक को कुछ पता नहीं चला, भनक तक नहीं लगी, वो दिल्ली की राजनीति में बिजी थे, महाराष्ट्र में अपॉर्चुनिटी मिस कर गए, कांग्रेस भी देखती रह गई, NCP भी चारों तरफ से घिर गई। जैसा पहला टर्म है, पता नहीं हर सुबह कुछ और देखने को मिल रहा है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, मगर जैसे डेवलपमेंट्स है बहुत अनफॉर्चुनेट है। जो पार्टी के MLA थे उसमें और मिनिस्टरों में मिसकम्युनिकेशन का गैप दिखा, पर्टिकुलरली कांग्रेस और शिवसेना के, उसके कारण दोनों इसमें इलेक्शन में दोनों पार्टी के वोट फूटे हैं, तो उसी वजह से यह हो सकता है कि उनमें नाराजी है कुछ MLA में, कम्युनिकेशन की कहीं तो भी गैप रही है MLA और मिनिस्टरों के बीच में, जिसको भी हर आदमी जब CM बनता है या पर्टिकुलर कोई पोस्ट पे जाता है तो कम्युनिकेशन के लिए किसी को ना किसी को डेपुट करता है, और उस आदमी ने कम्युनिकेशन किया नहीं होगा, उसके कारण कम्युनिकेशन की गैप बढ़ने से एक मनमुटाव हो गया है। महाविकास आघाड़ी में पर्टिकुलरली कांग्रेस के मिनिस्टर और पर्टिकुलर शिवसेना के मिनिस्टर, इनमें कम्युनिकेशन का इशू है। ये सारी चीजें राजनीति में जी हरकतें जो हो रही है महाराष्ट्र में ये कभी भी नहीं हुआ था, ये यूपी बिहार में हमेशा होता है। यानी कि आपके कहने का धन बल के साथ बाहुबल भी इस्तेमाल किया? कहने का नहीं, ये मैं
आरोप लगा रहा हूँ, कहने का तात्पर्य नहीं होता, मैं आरोप लगा रहा हूँ कि ये धनबल तो है इनके सर पे, जो ये है सत्ता का, जो इनको बहुत ज़्यादा जो उनके सर चढ़ के बोल रही है सत्ता, पैसे हैं इनके पास तो उसके बलबूते ये कुछ भी कर सकते, ये उनका उनकी सोच है, बट ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा अलग रही, ये पिछले 6-7-8 साल में इस पूरी तरह हमारी ये हुई है, तहस नहस किए इन लोगों ने, बट महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले जो लोग हैं ये इस तरह से गद्दारों को माफ नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे साहब से तो ये अपेक्षित नहीं था, क्योंकि एक बड़ा ओहदा वो रखते हैं और वहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ईडी है और कुछ उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए, ऐसे ही लोग वहाँ पे दिख रहे हैं, तो क्या ये यदि भाजपा के साथ सरकार बनाते हैं तो ये पवित्र हो जाएंगे? अब तीन बातों से जो तस्वीर दिख रही है उसमें साफ है कि शिंदे का निशाना सिर्फ उद्धव की कुर्सी नहीं, शिवसेना हथियाना है। शिंदे लगातार बागी विधायकों की संख्या बढ़ाकर शिवसेना पर दावा ठोक सकते हैं। गेंद चुनाव आयोग के पाले में रहे इसलिए बीजेपी विधानसभा सत्र बुलाने की मांग नहीं कर रही है। असली शिव सैनिक जैसे बयान देकर शिंदे दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने पार्टी से बगावत नहीं की और असली शिवसेना वही है। महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, महाराष्ट्र की एक तहजीब है, महाराष्ट्र का एक इतिहास है, उसे देखते हुए इस तरह की राजनीति कभी भी देखी नहीं गई थी कि जिस घटिया स्तर के ऊपर आके आज जो खेल खेले जा रहे हैं, लोगों का विश्वास राजनीति के अंदर से खत्म हो जाएगा अगर इसी तरह की हरकतें चलती रहेगी। आश्चर्य की बात यह है कि 2.5 साल आप एक अलग चोला पहनते हैं, 2.5 साल के बाद है तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, अब हमको दूसरा पोशाक पहनना है, दूसरे कपड़े पहनना है करके, तो एक तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाने के ये काम है। अगर किसी मुद्दे के ऊपर अगर ये होता तो शायद मेरे हिसाब से लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि एक विकास के काम के मुद्दे के ऊपर है तो हम इस बात के ऊपर अलग हो रहे हैं, लेकिन आज ये कभी भी महाराष्ट्र के अंदर ऐसा देखा नहीं गया कि रातों रात निकल कर चले जा रहे। और हमको हैरानी ये हो रही है कि एक आमदार अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर जाता है तो उसको हर आमदार को है तो पुलिस सिक्योरिटी होती है उसमें, यहाँ पर इतने सारे आमदार है तो निकल गए हैं, किसी को कोई पता नहीं है, तो ये क्या चल रहा है? ये अब जनता अच्छी तरीके से समझने लग गई, हमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि ये कैसा कैसा खेल खेला जा रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी भी इस प्लान को अंजाम तक पहुँचाने में जुट गई है। प्लान ए है शिवसेना तोड़ो सरकार बनाओ। डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए जो नंबर्स चाहिए थे शिंदे खेमे के पास वो नंबर्स आ चुके हैं। प्लान बी के मुताबिक अगर इसमें भी काम नहीं बना तो एनसीपी में भी कुछ लोगों के संपर्क में बीजेपी है, और प्लान सी के तहत कांग्रेस के एक बड़े नेता से भी बीजेपी डायरेक्ट टच में है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के आपदा को बीजेपी एक अवसर के तौर पर देख रही है और इसके लिए पर्दे के पीछे अलग अलग प्लान बनाकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। पहला प्लान तो ये है कि शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या इतनी ज़्यादा हो कि आसानी से एंटी डिफेक्शन लॉ को वो न्यूट्रलाइज कर सकें और गठबंधन की सरकार गिने, उसके बाद बीजेपी की सरकार बने उन विधायकों के समर्थन से। इसके अलावा प्लान बी और प्लान सी भी है, अगर संख्या की जरूरत पड़ी तो एनसीपी और कांग्रेस के कुछ विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं और वो बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता के नाराजगी की तो खूब चर्चाएं हैं। पिछले 7 राज्यों की स्टडी से पता चलता है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी 2 तरह की रणनीति अपनाती है। पहला, विपक्षी पार्टी के नाराज गुट को अपने पाले में करके सरकार बनाना। दूसरा, छोटे दलों और निर्दलियों को अपने पाले में करके सरकार बनाना। महाराष्ट्र में पहली स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। 40 से ज्यादा विधायकों की बगावत का सीधा मतलब है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गहरे संकट में है। और आपको बताते हैं, उद्धव ठाकरे की बातों को एकनाथ शिंदे ने जवाब दे दिया है। ट्वीट करके उद्धव ठाकरे के सामने एकनाथ शिंदे ने बड़ी शर्त रख दी है कि सबसे पहले उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलें, इस अलायंस से बाहर निकलें। सबसे पहले उद्धव ठाकरे शरद पवार और कांग्रेस का साथ छोड़ें। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना काफी कमजोर हुई है। उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि शिवसैनिक कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दिया। एकनाथ शिंदे ने साफ साफ लिखा है कि महाअघाड़ी सरकार से बाहर निकलने का वक्त आ गया है।
एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि वो सबसे पहले इस एमबीए यानी महाअघाड़ी सरकार से बाहर निकले। वो लिखते हैं कि पिछले ढाई साल के अंदर महाविकास अघाड़ी सरकार में केवल और केवल सहयोगी दलों का विकास हुआ, यानी कांग्रेस और एनसीपी का केवल विकास हुआ और शिव सैनिक दबाए गए। वो ये भी कह रहे हैं कि सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी तो इन ढाई साल में मजबूत होते गए और शिवसेना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। इसके बाद वो ये लिखते हैं कि अब हिंदुत्व का वक्त है, अब आपको वापस हिंदुत्व के रास्ते पर लौटना पड़ेगा। वे कह रहे हैं कि अब ये जरूरी है कि ये अस्वाभाविक अननेचुरल जो अलायंस बना है ये खत्म किया जाए, शिव सैनिकों को बचाने के लिए, शिवसेना को बचाने के लिए ये अस्वाभाविक जो अलायंस है महाविकास अघाड़ी, इसको अब तोड़ा जाए, इससे बाहर निकला जाए। और फिर अंत में वो लिखते हैं कि फैसला अभी लेना होगा, महाराष्ट्र के भले के लिए अभी फैसला करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे को। तो उद्धव ठाकरे जो इमोशनल कार्ड खेल रहे थे कि कोई कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, या यहां आकर मेरे सामने कहें मेरा एक भी विधायक तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मैंने लिख कर रखा है जाके राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा दे दे, उसका जवाब अभी इंतजार कर रहे थे कि देंगे एकनाथ शिंदे। हमने सोचा था कि शायद वो मीडिया से बात करें, लेकिन उन्होंने ट्विटर के जरिए जवाब जरूर दे दिया है और ये कह रहे हैं कि फैसला अब लेना ही पड़ेगा, फैसला लेने का वक्त आ गया है अगर महाराष्ट्र का भला चाहते हैं और अगर शिवसेना को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ढाई साल के अंदर नुकसान अगर किसी का हुआ है तीन पार्टियों की सरकार में तो वो शिवसेना और शिव सैनिकों का हुआ है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी लगातार मजबूत होती गई, वो सारा फायदा उन्हें पहुंचा और इन ढाई सालों में नुकसान केवल और केवल शिवसेना का हुआ है और कमजोर होती गई है पार्टी और अब बाहर निकलना होगा इस अलायंस से, महाविकास अघाड़ी सरकार से उद्धव ठाकरे को। और देखिए हैशटैग जो यूज किया है, हिंदुत्व फॉरएवर। सोचिए चार दिन पहले तक शिवसेना 55 विधायकों की पार्टी थी, आज 17 विधायक रह गए। खबर यहां तक है कि अगले 24 घंटे में उद्धव ठाकरे ने पार्टी अगर नहीं संभाली तो 10 विधायक ही बचेंगे। कौन अब्दुल सत्तार जो बीजेपी में जाना चाहते हैं, कौन है बच्चू कडू जिनको लग रहा है कि ठाकरे सरकार में रहेंगे तो उनकी राजनीति खतरे में पड़ सकती है, कौन है तानाजी सावंत जिनको लगता है एनसीपी से गठबंधन उनको अगला चुनाव हरवा देगा। कल तक जिनको महाराष्ट्र के बाहर कोई जानता नहीं था उनकी आज दिल्ली तक में चर्चा हो रही है। वो 38 जिन्होंने ठाकरे सरकार को हिला दिया, पवार की पावर घटा दी, क्या ये 38 ऐसे हैं जो किसी भी सूरत में ठाकरे के पास अब वापस नहीं लौटेंगे? ये 38 कितने हिंदुत्ववादी हैं, कितने बड़े शिव सैनिक हैं, या इनका कोई अपना गेम प्लान है? देखते हैं। इस तस्वीर ने महाराष्ट्र में भूचाल ला दिया। इस फोटो ने सरकार गिरा दी। इस पिक्चर ने उद्धव ठाकरे को सिंहासन से उतारा। महाराष्ट्र में यह भूकंप अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी टिक टिक काफी देर से बज रही थी। इसका सिग्नल बार बार दिया जा रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे संजय राउत को विद्रोह की न टिक टिक सुनाई दी न सिग्नल समझ में आया। जैसे मौका मिला सब फट पड़े। ये सब अलग अलग थे, ठाकरे सरकार से परेशान थे, मगर अब एक साथ हैं और इनको एक साथ एकनाथ शिंदे लाए। ये शिंदे की सेना है जो ठाकरे के खिलाफ खड़ी है, डटी है और खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग कर चुकी है। शाहजी पाटिल, अब्दुल सत्तार, शंभू राजे देसाई, सुहास कांदे, अनिल बाबर, रमेश बोरणारे, तानाजी सावंत, संदीपन भूमरे, यामिनी जाधव, लता सोनवणे, बच्चू कड़ू, एकनाथ शिंदे, चिमनराव पाटिल, प्रदीप जायसवाल, महेश शिंदे, श्रीनिवास बनगा, भरत गोगावले, सांताराम मोरे और महेंद्र दलवी। ये वो चिंगारी है जो पिछले ढाई साल से शिवसेना के अंदर अंदर सुलग रही है। ठाकरे सरकार के खिलाफ बगावत एक दिन में शुरू नहीं हुई, बल्कि हर दिन के साथ इन विधायकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये उद्धव ठाकरे के पीछे जरूर खड़े होते थे, लेकिन ये एकनाथ शिंदे को अपना लीडर मानते हैं।
जैसे जैसे बीजेपी की चार्टर्ड फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड कर रही है, वैसे वैसे ठाकरे सरकार का काउंटडाउन तेज हो रहा है। ऐसा नहीं है, एकनाथ शिंदे ने एक बार कहा और ये सारे विधायक ठाकरे के खिलाफ हो गए, बल्कि महाअघाड़ी सरकार में इनमें से एक एक चेहरे का नुकसान हो रहा था। इनके सामने दो रास्ते थे, ठाकरे के साथ रहकर अपना राजनीतिक करियर खत्म करें या बीजेपी के साथ आकर चुनावी राजनीति को आगे बढ़ाएं। चाहे संदीपान भूमरे हो, रमेश बोरनारे हो, सुहास कांदे हो या फिर शाहजी पाटिल, इन लोगों के लिए पिछले चुनाव में बीजेपी चुनौती नहीं थी, बल्कि इनका सीधा मुकाबला एनसीपी से था। इन लोगों के चुनाव क्षेत्र में दूसरे नंबर पर एनसीपी आई थी। 2014 में जब बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ी थी तो सबसे ज्यादा फायदा एनसीपी को हुआ था। वहीं 2019 में जब बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ी तब ज्यादा फायदा शिवसेना ले गई। शिंदे की सेना में 38 विधायक हैं, जिनमें शिंदे को मिलाकर ठाकरे सरकार के 4 मंत्री भी हैं। एकनाथ शिंदे के दाईं तरफ बच्चू कड़ू बैठे हैं, जिनको शिक्षा राज्य मंत्री की कुर्सी दी गई है। शिंदे के बाईं तरफ चिमन राव पाटिल हैं। पहले बात बच्चू कड़ू की। बच्चू कड़ू बाल ठाकरे से खासे प्रभावित थे, इसी कारण बच्चू कड़ू ने राजनीति में आने का फैसला किया। बच्चू अचलपुर से 4 बार से विधायक हैं और इनके लिए अपना भिड़ू बच्चू कड़ू नारा लगाया जाता है। 2004, 2009, 2014 में निर्दलीय चुनाव जीते। 2019 में प्रहार जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े, जिसमें बच्चू कड़ू को 81,252 वोट मिले। दूसरे नंबर पर 72,856 वोटों के साथ कांग्रेस थी। बच्चू कड़ू एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी माने जाते हैं और महाअघाड़ी सरकार में रहने से बच्चू कड़ू की क्षेत्रीय राजनीति कमजोर हो रही थी। अब बात चिमनराव पाटिल की, जो एरंडोल विधानसभा से आते हैं। 2009 में और 2019 में चुनाव जीते। 2014 में जब बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े और चिमनराव पाटिल को हार मिली, यानी अगले चुनाव में इनको फिर हार मिलने के पूरे चांसेस बनते दिख रहे हैं। जितने भी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए, जिन्होंने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा है, उनको शिवसेना की जरूरत नहीं है। वो शिवसेना के नाम के बगैर भी चुनाव जीतने का मादा रखते हैं। वो हिंदुत्व के लिए शिवसेना के साथ। हिंदुत्व शिवसेना की हमेशा से ही पहचान रही है। शिवसेना ने अपनी सियासत में हमेशा ही हिंदुत्व को सबसे आगे रखा, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर सत्ता बनाई, लेकिन इसी वजह से शिवसेना का कट्टर हिंदू वोट बैंक उनसे नाराज हो गया। शिवसेना के चुने हुए विधायकों को भी इस नाराजगी का एहसास हो रहा था, क्योंकि चाहे लाउडस्पीकर का मुद्दा हो या फिर हनुमान चालीसा का मुद्दा, हर बार ये नाराजगी बढ़ती जा रही थी और शिवसैनिकों और उद्धव ठाकरे के बीच की दूरियां लगातार बढ़ रही थी। विधायकों को लगा कि अगर सही वक्त पर उन्होंने कदम नहीं उठाया तो इस नाराजगी का खामियाजा उन्हें भी आगामी चुनाव में उठाना पड़ सकता है। शंभू राजे देसाई को महाअघाड़ी सरकार में गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। शंभू राजे देसाई शिवसेना के हमेशा सैनिक रहे हैं, मगर सियासी गलियारों में ऐसा दावा किया जाता है कि कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की वजह से उनकी तक नहीं सुनी जा रही। 2019 के विधानसभा चुनाव में शंभू राजे देसाई को 1,06,266 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर एनसीपी थी, जो जीत से ज्यादा दूर नहीं थी। उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के लिए गठबंधन किया, जिसका खमियाजा सबसे ज्यादा शिवसेना को हुआ। कट्टर हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ा। कई मुद्दों पर कांग्रेस और एनसीपी के सामने झुकना पड़ा, जिससे उद्धव ठाकरे का सिंहासन तो बचा रहा, लेकिन शिवसेना का वोट बैंक खत्म होने लगा, जिसका असर इतना पड़ा कभी उद्धव ठाकरे के लिए 7 मंजिल से छलांग लगाने की बात करने वाले संदीपन भूमरे ने भी साथ छोड़ दिया। संदीपन भूमरे 5 बार से लगातार विधायक रहे हैं।
आज उद्धव ठाकरे कह रहे हैं सामने आकर बोलने पर वो सीएम पद से इस्तीफा तक दे देंगे, लेकिन संदीपन भूमरे का कहना है उन्होंने इसलिए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा क्योंकि शिवसेना के विधायकों का कोई काम नहीं होता था। आज संदीपन भूमरे ठाकरे के सैनिकों से एकनाथ शिंदे की सेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा भी दावा किया जाता है कि उद्धव ठाकरे को हमेशा कुर्सी खोने का डर सताता रहता था, इसी वजह से वो कांग्रेस एनसीपी पर ज्यादा ध्यान देते थे और सरकार बनने के बावजूद शिवसैनिक खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। ऐसे वक्त में 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों का साथ दिया, उनकी बातों को सुना और आज हर कोई शिंदे की सुन रहा है। और आइए आपको हम गुवाहाटी में उस होटल के अंदर की तस्वीरें दिखा दें जहां पर शिंदे की सेना जो है वो तैयार है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर देखने जा रहे हैं। 38 विधायक जो हैं वो शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ हैं। उनका अपना दावा तो 46 विधायकों का है कुल, इसमें 40 तो बताते हैं कि शिवसेना के विधायक हैं, लेकिन हमारी जानकारी की 38 विधायक उनके पास कम से कम मौजूद हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।